हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। कृष्णनगर थाने की टीम ने शहीद नगर गाजियाबाद से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन बरामद किया। सहादर जिला के DCP रोहित मीना ने शनिवार की दोपहर 2:27 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 1 मार्च को शिकायतकर्ता अतीक अहमद पुत्र मजीद अहमद निवासी गली नंबर 1 ईस्ट ओल्ड सिलमपुर कृष्णनगर का है, जिन्होंने एक चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उनके घर के सामने से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसके बाद शिकायतकर्ता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम का गठन किया था, जो कि कृष्णनगर थाने के SHO रजनीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम के अंदर हेड कांस्टेबल गिरजाराज सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल निकुंज, हेड कांस्टेबल सुमित इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे CCTV फुटेज चेक किए, देखा कि दो व्यक्ति शिकायतकर्ता की मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी फोटो अपने मुखबिर और अपने पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की और आगे जांच की तो पता चला कि वह दोनों आरोपी सड़क संख्या नंबर 57 कांति नगर एक्सटेंशन की तरफ से आते पाए गए और उसके आसपास और CCTV फुटेज के, जिनके बाद एक आरोपी की पहचान हुई, जिसका नाम राशिद और फौजी पुत्र मुनंजिर, जिसकी उम्र 22 साल है, जो रहने वाला एकता कॉलोनी चुना भट्टी रोड शहीद नगर साहिबाबाद का है। आरोपी को उसके घर शहीद नगर साहिबाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। कहा कि अपने साथी के साथ मिलकर 1 मार्च वाले दिन कृष्णनगर थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की थी। वह मोटरसाइकिल भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर ली। इसके अलावा एक अन्य ऑटो लिफ्टिंग में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और एक मोबाइल फोन स्निचिंग के मामले भी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर एक चोरी की स्कूटी और बरामद की और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आरोपी का दूसरा साथी फरार है। आरोपी की पहचान राशिद और फौजी पुत्र मुनाजिर, उम्र 22 साल, रहने वाला एकता कॉलोनी चुना भट्टी रोड शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद का है। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन बरामद किया है।